सही राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। आरंभ करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अपूर्व अनुभव पाठ हम पढ़ रहे थे। अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा कर रहे थे। आप बच्चों ने अपने कुछ अपूर्व अनुभव संचित करके भी रखे हैं जो आप क्लास में बताना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आज की हम क्लास आरंभ करें उससे पहले एक बात और आपकी जानकारी में लानी है। बात बहुत खास है। वो बात ये है कि अभी जब आपका असेसमेंट हुआ ना, तो कैसे हुआ बताओ? हाफ ईयरली असेसमेंट कैसे हुआ था आपका? मैम गूगल फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव टैग मैम गूगल फॉर्म हुआ था, ऑनलाइन टैग हुआ था। अच्छा, आपके पास कोई आइडिया है कि इस बार कुछ नए तरीके से आपका असेसमेंट हो? डिस्क्रिप्टिव भी ना हो, और मान लो गूगल मैम हमें पीपीटी बनाना है। पीपीटी बना के हो, सब बच्चों का पीपीटी के माध्यम से असेसमेंट हो। और बताओ और क्या हो सकता है? मैम स्कूल में पहले व्यम बोले, क्या व्यम? प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हो, ओके। और बताओ? प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यानी ओरल असेसमेंट, ओरल असेसमेंट है ना? यस लक्ष्य। हम स्कूल में स्कूल में क्या पता था तो स्कूल खुल जाए। स्टोरी, स्टोरी नरेशन? नो मैम। मैम वो स्कूल की बात कर रहा है। स्कूल में क्या पता तब खुल जाए स्कूल। अच्छा, स्कूल खुल जाए ऐसी उम्मीद? यस, ऐसी दुआ कर रहे हो? हाँ ठीक है, खुल जाएंगे तब तो बात है ही सही, निराली फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन विद्यालय खुलेंगे इस इंतजार में हम अभी अपना जो वर्तमान है उसको तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एवरी डे हमें कुछ ना कुछ तो नया सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो अभी असेसमेंट का एक तरीका सोचा है, पता है वो क्या है? वो तरीका है स्पीकिंग स्किल, वाचन कौशल। प्रत्येक बच्चे को बोलना होगा। अब क्या बोलना होगा? तो वह है वाद विवाद गतिविधि, डिबेट एक्टिविटी। हम ऑनलाइन क्लास में डिबेट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ऑल आर हैप्पी और नॉट? गुड गुड। जो बच्चे ना एकदम से खुश होके किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बस ये मान के चलो वो तो बिना पार्टिसिपेट किए ही विजयी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पार्टिसिपेट करने की जो जो जोश है, जो लगन है, वो बहुत अच्छी अद्भुत है। यस आई अप्रिशिएट। तो अभी मैं सोचूं कि मैं आपके लिए क्लैप करूंगा तो क्लैपिंग भी एक बहुत छोटी चीज है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दिल से उनके लिए जो स्वेच्छा से आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। और जैसे ही मैम या सर आवाज लगाते हैं उनका कैमरा बंद नहीं रहता। फिर किसी वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम से कैमरा बंद होता भी है तो कोई बात नहीं, उनको वॉइस की क्लैरिटी चाहिए तो कैमरा बंद होता है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी आवश्यकता पड़ती है वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए शाबाशी, तारीफ, प्रशंसा। आप सब बच्चे निसंदेह बहुत अच्छे हो, बहुत से भी बहुत अच्छे, जिसे आप लोग आजकल कहने लगे हो सुपर से भी अपर हो। आप ही की भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं लेकिन आपकी लैंग्वेज में, तो डिसाइड किया है वाद विवाद गतिविधि होगी। और ये गतिविधि
ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, लेकिन हमारे बच्चे तो बहुत सारे हैं, 40 मिनट का समय तो कम पड़ जाएगा, तो हम एक और मीटिंग प्लान कर लेंगे उसी दिन। चाहे फिर ये मीटिंग आपकी सारी क्लासेस होने के बाद शाम को हो, 6 बजे से 7 बजे तक, या अर्ली मॉर्निंग, जैसा आप मुझे सजेस्ट करोगे आपके हिसाब से कर लेंगे। मैम कौन सी गतिविधि होगी? डिबेट कॉम्पिटिशन बेटा, वाद विवाद गतिविधि, जिसका विषय है, विषय बता दो। यस मैम। ओके, जिसका विषय है कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है, कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है, इसके पक्ष में बोलना है, इसके विपक्ष में बोलना है। तो जो बच्चे पक्ष में बोलना चाहते हैं वो पक्ष में बोलेंगे, जिनको विपक्ष में बोलने की इच्छा है वो विपक्ष में बोलेंगे। एग्री? अभिषेक याद हो तो टाइम ना बढ़ पाए। मैम वाद विवाद मतलब? सौम्या, कैसा सवाल है? व्हाट मैम? माइक ऑफ करो, क्योंकि तुम्हारा माइक ऑन होता है तो आवाज गूंजती है, इसलिए वाद विवाद गतिविधि अगर आपको याद हो तो अपने स्कूल में हर साल हिंदी पखवाड़े में होती है ना? कोई एक भैया दीदी पक्ष में बोलते हैं, या आप लोग भी बोलते हो, एक बच्चा पक्ष में बोलता है, दूसरा बच्चा विपक्ष में बोलता है, ठीक है? मैम डिबेट। अच्छा, आयान कह रहे हैं मैं टॉपिक रिपीट करूं, आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, टॉपिक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, राइट? मैम जो पहले बात गतिविधि है मैम वो डिबेट की तरह होती है? डिबेट ही होता है बेटा, डिबेट को हिंदी में वाद विवाद कहते हैं। ओके मैम, इज इट ओके? और भी किसी को जो सवाल आना है पूछे, सवाल पूछने के लिए बिल्कुल मना ही नहीं है। यस लक्ष्य पूछिए। मैम कब? कब होगी? ठीक है, ये भी हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। मैम कल करें? गुरुवार, एक मिनट, शुक्रवार को। यस मैम। आज बुधवार है ना, अब आपकी क्लास कब होगी? शुक्रवार को। तो शुक्रवार को आपकी जो क्लास का टाइम है इसमें भी लेंगे, और यदि इस क्लास में सब बच्चों का नहीं हो पाया असेसमेंट। अच्छा, एक बार लिसन लिसन बेटा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो गतिविधि है इट्स अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे को तो पार्टिसिपेट नहीं करना है, मेरे को तो कैमरा बंद करके ही बैठना है। जो कैमरा बंद करके बैठेगा उसे जीरो मिलने वाला है। तो ये आपका सौम्या, तुम ना चैट बॉक्स में लिख के पूछ लो। मैम वो नेटवर्क की वजह से चैट बॉक्स में जा नहीं रहा है। ओके, अपना प्रश्न पूछो और फिर म्यूट करो। मैम कौन पक्ष में बोलेगा, कौन विपक्ष में बोलेगा, ये कब पता चलेगा? नॉट ऑडिबल बेटा। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसको विपक्ष में बोलना है पक्ष में बोलो, जिसको विपक्ष में बोलना है विपक्ष में बोलो, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, ठीक है? आप आजाद हैं, आप मुक्त हैं। आपको ये कहना है कि कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है, ओके। आप कहते हैं नहीं, विकास ही नहीं हुआ, कुछ और भी हुआ है, तो अब हम नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि फिर आपको आइडिया मिलेगा। तो ये आपको ही सोचना है, आप पक्ष में बोले। लेकिन याद रखिएगा, वाद विवाद में एक बड़ी सुंदर बात होती है। क्या सुंदर बात होती है? आपको पक्ष में बोलना है ना, तो इतनी मजबूती से बोलो, इतनी दमदारी से बोलो कि आपके विपक्ष वाले की बात बिल्कुल निराधार हो जाए। और अगर आपको विपक्ष में बोलना है तो आपका पक्ष वाला चौक जाए कि कितने शानदार तर्क प्रस्तुत किए। तो वाद विवाद का जब असेसमेंट होगा
तो जो मूल्यांकन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी यही होते हैं, क्या क्या, विषय वस्तु, आपके बोलने की शैली, उतार चढ़ाव, आप बोलते समय पॉज लेते हैं कि नहीं, वॉइस मॉड्यूलेशन आपका बराबर आता है कि नहीं, राइट। एंड उसके बाद तर्क क्षमता, आप में आर्ग्यूमेंट पावर है कि नहीं, तर्क क्षमता, आपकी तार्किक क्षमता असेस होती है, विषय वस्तु, उतार चढ़ाव, तार्किक क्षमता और आपके हाव भाव, आपके जेस्चर्स। आपने पेपर रीडिंग जैसा कर दिया, पेपर रीडिंग नहीं करना है आपको, अपनी बात ऐसे समझानी है जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं इस बारे में। मैम स्पीच, नॉट स्पीच, नो मैम स्पीच ओनली देते हैं वैसे, नहीं अंतर है ना, स्पीच में तो सिर्फ आप भाषण जैसा बोलते जाते हैं, इसमें आप अपनी बात सिद्ध करने के लिए तर्कों के साथ बोलते हैं। यस योर मैम, जो विवाद होगा मैम, अगर बहुत सारे बच्चे एक ही साइड होगा, एक भी बच्चा किसी दूसरे साइड में नहीं हुआ तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि नेचुरली पक्ष में भी होंगे वो, तो तब अपने आप निकल आएगा, उसके आप चिंता निकलो तो होगा, क्योंकि अगर हम क्लास में भी कोई बात कहते हैं या घर में भी कोई बात कही जाती है तो चार लोग मानने वाले होते हैं, दो लोग ना मानने वाले भी होते हैं, ये तो सार्वभौमिक नियम है कि जो बात कही जाती है उसको स्वीकारने वाले भी होते हैं और अस्वीकारने वाले भी होते हैं, इसीलिए ये विषय भी हम ऐसा लेते हैं, वाद विवाद का विषय ऐसा ही लिया जाता है जिसके पक्ष में भी बहुत जबरदस्त तर्क हैं और जिसके विपक्ष में भी जबरदस्त बातें हैं। यस लक्ष्य मैम, टीम बनेगी, टीम बनेगी, टीम बाद में बनेगी, पहले तो आपकी व्यक्तिगत प्रस्तुति होगी क्योंकि वो असेसमेंट है, तो पहले आपकी व्यक्तिगत प्रस्तुति होगी, उसके बाद देखते हैं इसको अगले चरण में अगर ले जाएंगे तो फिर टीम बनाएंगे, फिर आपका पेयर बना देंगे अकॉर्डिंग टू हाउस या जो भी है, बट अभी वो बात नहीं करेंगे, अभी पहले आप पहली प्रस्तुति दीजिए अपनी और सभी को पार्टिसिपेट करना है, 100% पार्टिसिपेशन सबका चाहिए, आप चाहे दो लाइन बोलें लेकिन बोलना है, हालांकि नेचुरली दो लाइन कोई नहीं बोलता, तो उसे तो ज्यादा ही बोलना, दो लाइन तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ नहीं हो जाएगी, तो आप अपना अपनी विषय वस्तु का चुनाव करके रखिएगा, ये कब होगा बेटा बताया ना साराक्षी, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो क्या, कब बताया मैंने बताओ, कब होगा, शुक्रवार को, यस। और अभी आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो अच्छा प्रश्न है, जहां पर ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिनका हिंदी अर्थ कर देने से उनका अर्थ ही गायब हो जाता है, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी, ऑनलाइन कक्षाएं, अब आप ऑनलाइन को क्या कहोगे, लाइन माने पंक्ति, ऑन माने पर, तो आप क्या बोलोगे, पंक्ति के ऊपर जो कक्षाएं चल रही हैं, अनुवाद क्या करोगे ऑनलाइन का, पर पंक्ति, मीनिंग ही खत्म है ना, अब आपको कहना है कोरोना, कोरोना तो अंग्रेजी वाला शब्द है, उसको हिंदी में क्या कहोगे, तो जिन शब्दों का हिंदी रूपांतर नहीं करना है क्योंकि वो शब्द उनका ओरिजिन, उनका उनकी उत्पत्ति अंग्रेजी या अन्य भाषा से ही हुई है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे शब्दों को हम हिंदी में कन्वर्ट ना करें, जैसे ट्रेन, अब ट्रेन को अगर आप लोकपथगामिनी कहोगे और आप अगर रेलवे इंक्वायरी पे फोन लगा के पूछते हो कि इंदौर या देहरादून जाने वाली लोकपथगामिनी का समय क्या है, तो वो ना आपकी बात सुनेगा नहीं और फोन काट देगा, पता नहीं कौन बेवकूफ है, हर जगह हर शब्द की हिंदी करने से
उसकी जो आत्मा है वो समाप्त हो जाती है। तो जहां पर आपको अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो अनिवार्य है उनको ऐसे ही रखना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर बोलना है तो आप कंप्यूटर ही लिखिए, कंप्यूटर ही बोलिए, वहां पे आप संगणक मत बोलिए। आप संगणक बोलेंगे तो बाकी लोगों को समझ ही नहीं आएगा, बाकी लोग फिर चैट बॉक्स में लिखेंगे मैम इसने बोला संगणक, संगणक क्या होता है, राइट? कंप्यूटर ही रहने दीजिए उसको। यस व्योम, मैम क्या हम स्क्रीन प्रेजेंट करके भी बता सकते हैं बेटा? मैम जैसे कुछ सर्वेज हुए हैं तो मैम हम उनके स्क्रीनशॉट लेकर उनको एक प्रेजेंटेशन में बनाकर दिखा सकते हैं उनको? दिखा सकते हैं, नहीं बेटा भाग भाग में दिखाना नहीं है, बोलना ही है। आप प्रॉप्स जैसे कह रहे हो, प्रॉप जैसे कुछ बनाना कह रहे हो? व्योम एम आई ऑडिबल? यस मैम। प्रॉप्स जैसा कुछ बना के बताना कह रहे हो? यस। नहीं नहीं अभी नहीं, वो बाद में कभी देखेंगे, अभी तो आपकी है ना वाचन कौशल एक्टिविटी है ये, आपके वाचन को हमें असेस करना है, तो प्रॉप्स वगैरह नहीं। आप बस आप दमदारी से बोलिए पक्ष में या विपक्ष में। व्हाट विल बी द टॉपिक? टॉपिक बेटा बताया ना हमें टॉपिक मैंने अभी बता दिया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगी, डोंट वरी। यस अनुमेघ मैम, जैसे कि पक्ष वाले ने विपक्ष को एक प्रश्न पूछ दिया पर विपक्ष वाले को उसका आंसर ही नहीं पता, फिर हम क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ प्रश्नोत्तर नहीं होना है, प्रश्नोत्तर किसी को नहीं करना है, ठीक है? प्रश्नोत्तर नहीं चलेगा। जैसे आपको पक्ष में बोलना है आप अपनी बात कहेंगे, आप चुप हो जाएंगे, फिर व्योम आए, व्योम ने अपनी बात रखी, बस आपको अपना अपना बोलना है। आई विल कॉल यू वन बाय वन अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? मैम ऑब्जेक्शन करना है, जैसे कि अपन को जो बात पसंद नहीं आई तो? नहीं नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना, आपको सिर्फ आपने जो लिखा है वो बोलना है, आपको किसी की बात पे अभी ऑब्जेक्शन नहीं, इंटरफेयर किसी को नहीं करना है, ठीक है? मान के चलो मैं पक्ष में बोलना चाहती हूँ तो मैं बस पक्ष में बोलूंगी और मैं फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा वो विपक्ष में बोलेगा, वो अपनी वाणी को विराम देगा, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होना है। यस लक्ष्य मैम, शुक्रवार यानी कल, सॉरी मैम शुक्रवार यानी कल? शुक्रवार को ना बेटा, हाँ कल तो मैम वो शुक्रवार पे बीच में क्या फंक्शन, उसका मीनिंग पूछ रहा है। मेरे को लग नहीं, नो मैं लक्ष्य फिर से पूछो आराम से। मैम मतलब इसी शुक्र, मैम इसी शुक्रवार को यानी अगले शुक्रवार को? नहीं नहीं यही कल के बाद जो आने वाला है। यस मैम, कल के बाद जो आने वाला है। यस सोनिया का बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है। हाँ सोनिया मैम, योगी जी ने कुछ लिखा है उसका मतलब समझ नहीं आ रहा। बोलो बेटा पूछो सोनिया। मैम यहाँ योगी जी ने कुछ पूछा है वो मुझे, मैं देख रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आती बेटा। मैम वो कह रही है कि उधर योगिता ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो ना समझे ना उसको, क्या करना समझ के, योगिता को लेकर देखो तो कुछ भी लिख रही है, फुलिश क्वेश्चन है, जो कहना है वो हमें तैयार करना है क्या? तो आप नहीं करोगे तो पड़ोसी करेगा क्या? मुझे जो कहना है, मुझे जो प्रस्तुत करना है, क्या मुझे वो सब तैयार करना पड़ेगा क्या? नहीं, मार्केट में मिल जाएगा 10 रुपए किलो में, ऐसा थोड़ी होता है। और कोई प्रश्न? हाँ कैथरीन बोलो। विकास का मतलब क्या होता है? विकास मतलब डेवलपमेंट। नितेश क्या बोल रहा है, मार्केट में नहीं मिलेगा? मैंने कहा कि पार्टिसिपेट नहीं करोगे,
आपने बोला ना कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो इसलिए बोला था मैंने। अच्छा, तो जब बोल सकते हो तो लिख का आया, जो बोल नहीं सकते उनको लिखना चाहिए। हाथ उठा, देखो व्योम हाथ उठा रहे हैं, अनुमेगा हाथ उठाती है, कैथरीना ऐसे हाथ उठा के बोलो। यस व्योम मैम विकास का मुझे। अरे भैया एक एक करके बोलो पंक्ति, आप ना बोलो पहले, एक एक करके बोले। अरे हम जो बोलेंगे वो जायसा का कितने मिनट का रहेगा, कितने मिनट का रहेगा? यस गुड क्वेश्चन। तो आप जो बोलना चाहते हैं वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। यू हैव टू कंप्लीट योर फेवर और जो भी अगेंस्ट आप बोलना चाहते हैं विद इन 3 मिनट्स। अब बहुत अच्छा है, कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हो तो 3 मिनट कुछ सेकंड हो गए चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे डरने की बात भी नहीं है। यस पंक्ति आप बोलिए। मैम विकास का मतलब, बेटा अभी बताया मैंने विकास का मतलब, कितनी बार बताऊंगा मैम? मैं विकास मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। यस डेवलपमेंट, प्रोग्रेस कह सकते हैं, राइट? ओके हाँ भैया। यस मैम। अच्छा योगिता, हाँ योगिता बोलो। मैम मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब जैसे हम लोग डिबेट चल रही होगी तो हमें मतलब तभी वो चीज हमें सोच कर कहनी है या फिर घरे से ही लिख कर। बेटा अगर ऐसा होता तो मैं अभी क्यों बताती तुमको, एक दिन पहले उसी दिन बताती ना मैं, जल्दी से मैंने टॉपिक दिया अभी बोलो, तो तुरंत बोलो, तत्काल बोलो, पहले से बता रही हूँ तो नेचुरली यू हैव टू प्रिपेयर। उसको जब एकदम से जो आप तुरंत दिया जाता है तुरंत बोलते हैं ना, उसे तात्कालिक भाषण कहते हैं, डिबेट नहीं कहते, उसको वादेवाद नहीं कहते। ओके मैम। ये देखो ये पंक्ति के इनोवेशन चल रहे हैं, ये टीवी भी दिखा रही है, ये ट्रेन भी चला रही है। वही पंक्ति के उद्यम ज्यादा चलते हैं, पढ़ाई कम। अच्छा लक्ष्य आप कुछ कह रहे हो, तुम आज पढ़ाने नहीं दोगे? कितने सारे सवाल पूछ रहे हो बच्चे लोग मुझसे। मैम पढ़ाऊंगा। क्या है, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा? कौन सी भाषा में लिखा है, क्या पूछ रहे हो? मैम आपने मुझसे पूछा नहीं। आपसे नहीं पूछा मैंने? मैम आपने मुझसे पहले पूछा नहीं। क्या पूछा? कैप क्यों पहनी है? अच्छा कैप क्यों पहनी है बता दो। कैप स्मार्ट लगो उसने पहनी होगी नेचुरली। दिखाओ दिखाओ जरा नीचे करो सर, काहे भैया कटिंग काहे करा ली? मैम मम्मी ने करवा दी। हाँ तो बढ़िया, सुंदर लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, बढ़िया। अब कोरोना काल में बार बार नहीं जाना पड़ेगा आपको कटिंग कराने के लिए, इसलिए मम्मी ने अच्छा साधन। और बार बार, और सबसे बड़ी बात, अब कंघी करने में ना समय खराब नहीं होगा, बार बार क्लास में ऑनलाइन क्लास में बाल संवारने में समय बर्बाद नहीं होगा। अब बाल ही नहीं है तो बाल क्या संवारेंगे, है ना? अच्छी बात है। और बताओ भाई आरुष कुछ कह रहे हो क्या? तुम्हारे आजू बाजू दो चार हाथ दिख रहे हो, उठे हुए, ये तुम्हारे हैं कि किसी और के हैं? समझ नहीं आ रहा ये तुम्हारा हाथ है कि किसी और का हाथ है, कौन है भाई? चलो और किसी को कुछ कहना है? नहीं, चलो अगले चैप्टर की ओर चलते हैं फिर इसी बात पे। मैं समझती हूँ वाद विवाद संबंधी आपकी जो जिज्ञासा है वो संतुष्ट हो गई होंगी। अब हम चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और भी कोई सवाल रह गया हो प्लीज कॉल मी, प्लीज व्हाट्सएप मी, व्हाट एवर यू लाइक। डन मैम, आज मैं प्रेजेंट करूंगा। नितेश क्या कह रहे हो, फिर से कहो। मैम जो रहीम के थोड़े वाला चैप्टर है ना उसे आज मैं कर सकता हूँ प्रेजेंट। आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे उसका? प्रेजेंट लक्ष्य प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहे हैं नितेश? यस मैम। अच्छा यस मैम, करो भाई करो, स्वागत है आपका।
सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ठीक है नितेश, आवाज भी है इसमें या नहीं है? मैम आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। मैम इसकी आवाज, चलो ठीक है आवाज हमारी सुन लो, दो है रहीम की के देख लो, ठीक है? अब ये बार बार ना तुम अब ये उल्टा सीधा नहीं करो, या तो प्रेजेंटेशन को रोक दो और अब सुन लो बस, ज्यादा समय है भी नहीं, दो तीन दोहे हो पाएंगे। मैम यस मैम मैं रीड करूं? अब पहले फिर तो हो, नितेश का एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा पूरे टाइम प्रेजेंटेशन में। नितेश आप रोक रहे हो प्रेजेंटेशन, रोक दो आप, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटेशन, ना आपका मन लगेगा ना औरों का मन लगेगा सुनने में, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलेगा, एक एक दोहे को लेते हैं। पहले रहीम जी के बारे में पढ़ेंगे, व्योम रहीम जी के बारे में पढ़िए। मैम इसमें कहाँ पर लिखा उनके बारे में? क्या बेटा? अच्छा चलो मैम इसमें उनके बारे में रहीम जी के दोहे का पहला वाला दोहा पढ़ो अभी। रही रहीम पति सगे बनत बहुत बहुरी बेपति कसौटी जे कसे तेरी सांते मीत। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, रहीम दास जी कहते हैं सभी को पहले ये दोहा क्लियर हुआ है, सबके पास किताबें हैं? यस मैम। है ना, पहली पंक्ति क्या है? अब आराम से इसको अब टुकड़ों में बोलेंगे। पहले पहली जो पंक्ति है वो क्या है? पंक्ति आप रिपीट करें, पहली पंक्ति पंक्ति रिपीट करें। किताब नहीं है, है ना? ओके लक्ष्य, चलिए रिपीट कीजिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। बस इतना रुक जाइए, समझ लीजिए एक शब्द। कही रहीम, कही माने कहते हैं, रहीम रहीम दास जी कहते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, ऐसा होता है, तो बनत माने बन जाते हैं, बहु अनेक प्रकार से, रीति माने प्रकार से, बहु माने अनेक, अनेक प्रकार से लोग आपके सगे बन जाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं जब मनुष्य के पास पैसा होता है तो सभी उसके सगे बनने का प्रयास करते हैं, सभी उसके दोस्त रिश्तेदार बनने के तरीके निकालते हैं, है ना? लेकिन अगली पंक्ति क्या है? अगली पंक्ति मैम अनुमेघा, मैम आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हाँ मैं पढ़ूं? यस पति का सॉटी जैसे कैसे जो जे कैसे विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं विपत्ति रूपी कसौटी, कसौटी एक पत्थर होता है जिस पर घिसकर सोने की परख की जाती है कि ये गोल्ड है या नकली है, असली सोना है या कुछ और है, है ना? तो विपत्ति यानी मुसीबत, तकलीफ, परेशानी एक प्रकार की कसौटी है। जो लोग विपत्ति रूपी परिस्थितियों में हमारा साथ देते हैं
ते साचे मित्र, वही सच्चे मित्र होते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, कसे माने जो खड़े रहते हैं विपत्ति में भी, विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खड़े उतरते हैं, जो साथ नहीं छोड़ते हैं, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इज इट क्लियर? एक बार फिर सुन लीजिए। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते साचे मीत। मीत माने मित्र। वास्तविक मित्र वही होता है जो विपत्ति रूपी कसौटी में, विपत्ति रूपी परिस्थितियों में हमारा साथ दे। अन्यथा जब हमारे पास पैसा होता है, दौलत होती है, तब तो न जाने कौन कौन तरह तरह से हमारे मित्र और रिश्तेदार बनने का प्रयास करते हैं। इज इट क्लियर? आप देखो कोई बहुत पैसे वाला है तो लोग बोलते हैं मैं ना उसका ना दूर के रिश्ते का भाई हूं। दूर के रिश्ते का कैसे हो गया? तो वो इतना लंबा रिश्ता बताएगा कि मेरे जो चाचा है ना, उनके जो ये है ना, उनके जो वो है ना, वो उनके दोस्त है। लेकिन अगर वो गरीब है और आपका सगा है, सच में वो आपका परिवार का कोई सदस्य है, तो आप बोल देते हो नहीं हम उन्हें नहीं पहचानते। तो आप कहते तो नहीं वो हमारे सगे थोड़ी है, वो तो हमारे कजिन है, वो तो चाचा के बेटे हैं। कोई बोलेगा अच्छा वो आपका सगा भाई है जो वहां पे ऐसे लेबर है जो नौकरी करता है, तो क्या बोलते थे? नहीं वो मेरा सगा नहीं है, वो तो मेरा कजन है। और अगर वो अमीर होता तो वो भले चाचा का बेटा है लेकिन मेरा बहुत खास है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरे अपनों से भी बढ़ के है। ऐसे स्टेटमेंट हमें सुनाई देते हैं। तो रहीमदास जी ने बहुत सही कहा है कि संपत्ति होने पर सब अपने बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र तो वही है जो विपत्ति में साथ खड़ा रहता है। इज इट क्लियर? समझ आया सभी को? कोई शब्द ऐसा है जो नहीं समझ आया? क्लियर? चल ठीक है। अयान अगला। मैं रीत है अगला। मीत माने मित्र, दोस्त। तो मैं रीत। रीत। हाँ? रीत। रीत मैं रीत। रीत रीत माने नियम। और मैम कसौटी बताया ना, कसौटी एक प्रकार का पत्थर है जिस पर घिस कर सही और गलत की परख की जाती है, असली और नकली की परख की जाती है। अयान अगला पढ़िए। यस मैम। जल जल परे जल जल जात बही, तेज मिनन को मोए। रहीम मछरी निर निर को उज उज ना छड़ छड़ती छोए। छो हिंदी सही पढ़नी पड़ती है। इसमें क्या है? मैं पढूं? जाल परे जल जात बही। जाल परे, जाल माने नेट, मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना वो। जाल परे यानी जाल डालते से ही, जाल फेंकते से ही। जाल परे जल जात बही। जल माने पानी, जात माने जाता है, वही माने बह। जैसे ही जाल, जैसे ही नदी में या तालाब में मछली पकड़ने का जाल फेंका जाता है, तो पानी उस जाल के छेदों में से निकलकर बह जाता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मुंह। तजी माने छोड़कर, मीनन माने मछली, मोह माने प्रेम। नदी में जाल डालते से ही जल मछली के प्रति अपना प्रेम भूल कर बह जाता है, यानी जल मछली का साथ छोड़ देता है। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, सोच के देखिए। जैसे ही जाल डलेगा तो क्या होगा? मछली जाल में फंस जाएगी। आपने जाल खींच लिया तो क्या होगा? मछली तो जाल में रह गई और पानी नदी,
निकल गया। तो जैसे ही तालाब में या नदी में जाल डाला जाता है, मछली उसमें फंस जाती है और पानी मछली के प्रति अपना प्रेम छोड़कर बह जाता है। लेकिन रहमन मछली नीर को तौ न छाड़ती छोड़। रहीम दास जी कहते हैं लेकिन मछली पानी का, नीर मन पानी, अब यानी पानी के लिए दूसरा मीनिंग आ गया, नीर दूसरा पर्यायवाची आ गया, लेकिन मछली पानी से प्रेम करना नहीं छोड़ती। रहीमन मछली नीर को तव, तव माने तो भी, नहीं छोड़ती, छो माने पीछा। कैसे? क्योंकि जब मछली पानी से दूर हो जाती है, अलग हो जाती है, तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। मछली पानी के वियोग में, पानी के याद में, पानी के प्रेम में अपना जीवन समर्पित कर देती है। जबकि पानी मुसीबत पड़ने पर मछली का साथ छोड़कर बह जाता है। किसका प्रेम सच्चा है? मछली का। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से भी रहीमदास जी ने हमें ये बताया, यही एक दृष्टांत, एक और दृष्टांत दिया कि जो सच में आपसे प्रेम करता है वो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, और जो आपसे झूठा प्रेम करता है, जो दिखावा करता है, वो केवल आपके सुख का साथी है। कष्ट आने पर, परेशानी आने पर वो वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे जाल पड़ने पर पानी जाल को छोड़कर बह जाता है, मछली को भूलकर बह जाता है। क्लियर? यस मैम। एक बार फिर समझ लीजिए, जाल परे जल जात बही, जाल पड़ते से ही पानी बह जाता है। तज मीनन को मुंह, मछली के प्रति अपना प्रेम छोड़कर पानी जाल को छोड़कर बह जाता है। संकट आने पर मछली को अकेला छोड़ देता है और बह जाता है। लेकिन मछली तो जल से सच्चा प्रेम करती है। रहमन मछली नीर को तव न छाड़ती छोड़। लेकिन मछली भले पानी उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली पानी का साथ नहीं छोड़ती। पानी से अलग होने पर वह उसके वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। क्लियर? मैम नेक्स्ट में पढूं? यस मैम, नेक्स्ट में पढूं? अब आगे का शुक्रवार की क्लास है। मैम मैं पढूं? बेटा अभी टाइम हो गया ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैम लास्ट। अच्छा चलो पढ़ो। सरोवर फल नहीं नहीं खाते, सरोवर पियत न पान, कहीं रहीम प्रकाश हित, संपत्ति साची सुजान। वेरी गुड। रहीमदास जी कहते हैं सरोवर फल नहीं खाते है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर फल नहीं खाते है, और सरोवर पिए न पान, और तालाब या नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो सुजान होते हैं, सुजान माने अच्छे लोग, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय ही सुजान, कही रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं दूसरों के भले के लिए, दूसरों के काम के लिए, काज माने काम, दूसरों के काम के लिए अच्छे लोग अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं, पैसा जोड़ते हैं। जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों पर दया करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए अपने पैसे का संचय करते हैं। जिस तरह से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी या तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वैसे ही सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय
अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है नितेश? ओके गुड. अब बाकी के दोहे हम वाद विवाद एक्टिविटी के बाद पढ़ेंगे. ठीक है ओके. शांति पाठ करें. शांति शांति शांति. साई राम. गॉड ब्लेस यू ऑल. साई राम. साई राम बेटा.